अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादी अब्बास, मैं पाकिस्तान कराटे टीम का प्लेयर हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से। कराटे मैंने 7 साल की एज में स्टार्ट की थी और स्कूल के साथ ही क्लब था, वहाँ मैं जाके अपनी ट्रेनिंग करता था। स्टार्टिंग में क्लब्स लेवल पर, सिटी लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर मैंने काफ़ी तमगा जीती। इसके साथ साथ 2005 में मैंने पाकिस्तान की नेशनल जो चैम्पियनशिप में उसमें गोल्ड मेडल जीता। एंड आई थिंक मैं सूबे का पहला लड़का था जिसने 10 साल में पहली बार किसी भी नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल लिया। पाकिस्तान टीम ने मुझे फिर कैंप में इनवाइट किया और मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना। उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ साउथ एशिया के लेवल तक का मेडल था, तो 2011 में मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन की तारीख का पहला लड़का था जिसने एशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे पास है। मैंने पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल जीते, साउथ एशियन गेम्स में डबल गोल्ड मेडल जीते, इस्लामिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, US ओपन टूर्नामेंट में मैंने गोल्ड मेडल जीता। पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और बेपरवाह तमगात पाकिस्तान के लिए हासिल किए। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई करूं, बट अनफॉर्चुनेटली कम सीट्स होने की वजह से मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर सका, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा ड्रीम अचीव नहीं हुआ। लेकिन फ्यूचर में मैंने आने वाली जो एशियन गेम्स हैं उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, और आने वाली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान के लिए तमगा देखने और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करना। फ्यूचर में मैंने आने वाली जो एशियन गेम्स हैं उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, और आने वाली जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान के लिए तमगा देखने, और आखिरी जर्नी में जब मैं रिटायरमेंट के करीब आ जाऊँ तो मैंने अपनी यूथ को आगे लाना है और उनके साथ मेहनत करके उनको ओलंपिक में ना सिर्फ क्वालिफाई कराना है बल्कि उनको ओलंपिक में मेडल दिला के अपनी उस ड्रीम को अचीव करना है। पाकिस्तान में कराटे में बेपला टैलेंट है, उस टैलेंट को बस निखारना चाहिए। तो मैं तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आएँ और इस टैलेंट को फ्लरिश करें। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम क्लब्स, मेरे जो पाकिस्तान में क्लब हैं, मेरे जो UAE में क्लब हैं, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और UAE कराटे फेडरेशन जो मुझे इंटरनेशनली सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करने का मौके देते हैं, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इस पूरी जर्नी में मेरी हेल्प की। HBL PSL और सोलर इन्वर्स एनर्जी वालों का मैं बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर हम आके पूरे पाकिस्तान के सामने अपनी अचीवमेंट बता सकें, अपनी जर्नी बता सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।